हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि जो सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस या सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस होता है, आखिर दोनों चीज़ें क्या होती है। अक्सर जो मेन पब्लिक होती है उनको पता चलता है तो वो गड़बड़ खा जाती है इन चीज़ों में। उनको नहीं पता है कि दोनों चीज़ें एक ही है या अलग अलग है। दूसरा, आप इस चीज़ को लेके, सर्वाइकल को लेके या फिर शियाटिका हो, दो चीज़ों को लेके पब्लिक के अंदर इतनी ज़्यादा घबराहट बन गई है कि उनको जरा सा भी गर्दन में दर्द आता है या शोल्डर में पेन आता है तो वो झट से समझ लेते हैं कि हमें सर्वाइकल हो गया, अब ये ठीक नहीं हो सकता है। तो उन्होंने मन में ये बैठा लिया है कि अगर आपकी गर्दन में पेन आ रहा है या फिर आपकी बाजू में पेन आता है तो वो सर्वाइकल है और ये ठीक होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं सर्वाइकल क्या होता है। सर्वाइकल एक एरिया है जो हमारे रीढ़ की हड्डी के मन के होते, जहाँ से स्टार्ट होती है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ये सर्वाइकल का एरिया है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सर्वाइकल का नाम दिया जाता है। अब स्पोंडिलाइटिस क्या चीज़ है? जब हमारे वर्टिब्राज में, यानी कि C1, C2, इनमें, इन वर्टिब्राज में इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी वजह से, या आपके बैठने की वजह से हो, गलत तरीके से आप बैठते हैं, या फिर आपको चोट लग जाती है, या किसी भी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलेंगे सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस। और जब हमारा उम्र की वजह से डीजनरेशन होता है, हमारे जो वर्टिब्राज होते हैं उनके अंदर डिस्क होती है तो वो कम होनी शुरू हो जाती है, घिसनी शुरू हो जाती है, यानी कि डीजनरेशन हो रहा है वर्टिब्राज के बीच, तो उसको स्पोंडिलाइटिस बोलते हैं। तो ये इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कब हमें ये समझना चाहिए कि सर्वाइकल है और कब नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी गर्दन में दर्द होता है या कंधों में दर्द होता है तो वो कई तरीके से हो सकता है, या तो हमारा सोने का तरीका गलत होता है। कई लोग क्या करते हैं कि मोबाइल ऐसे घंटों देखते रहेंगे, घंटों एक पोस्चर में बैठे रहेंगे। अब मैं आपसे कहती हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके हाथ में मोबाइल नहीं देती और मैं आपको बोलूँगी कि आप इस चेयर पे एक घंटा लगातार एक ही पोजिशन में बैठ रही, तो क्या आप बैठ सकते हैं? नहीं बैठ से, आपके अंदर सनसनी हो जाएगी, आप बैठ नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि कब मैं उठूँ, कब ये टाइम पूरा हो। लेकिन आप मोबाइल में इतने खो जाते हो कि अपनी बॉडी को एक ही पोजीशन में बिल्कुल टकाटक रखते हो। आपकी बॉडी परेशान हो जाती है, लिथार्ज हो जाती है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति बिना किसी कारण के एक ही पोजीशन में एक ही तरीके से नहीं बैठ सकता। तो उसकी वजह से हमारी जो नसें हैं वो स्टिफ हो जाती है अपने आप को बचाने के लिए, तो वो हमारी जो नसें हैं वो स्टिप हो जाती है क्योंकि उनके अंदर खिंचाव आता है। देखिए फ्रेंड, जब हमें कोई व्यक्ति, कोई भी जानवर हो या कोई भी हो, हमारे ऊपर अटैक करता है, हमें मारने के लिए आता है, तो हम झट से ऐसे करते हैं, अपने हाथों से अपने आप को बचाते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हमारी नसों पे भी कोई खिंचाव महसूस हो रहा है, उसे लग रहा है कि उसको हानि हो सकती है, तो वो स्टिफ हो जाती है, वो स्टिफ होके अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, तो वहीं पे मसल्स भी स्टिफ हो जाते हैं और आपको दर्द महसूस होने लगता है। तो दर्द महसूस होता है तो एक दिन होगा, आप सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही हो रहा है, फिर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। दूसरे दिन होता है लेकिन उसके कारण पे आप काम नहीं करते, दूसरे दिन भी आपका वही काम है कि आपने मोबाइल देखना है और इस तरीके से देखना है कि बिल्कुल आपका पोस्चर गलत हो, या सोने का तरीका बहुत से लोगों गलत होता है, वो उल्टे ही लटक के सो जाते हैं, कई बार सोफे पे उनकी गर्दन लटकी हुई है और वो सोए पड़े हैं कई कई घंटों तक, एक ही करवट सोए रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको कंधे में स्टिफनेस आ सकती है, गर्दन में हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। तो लोग फिर क्या करते हैं, अगर 3-4 दिन तक उनका दर्द बना हुआ है, वो समझ लेते हैं कि बस मेरे को सर्वाइकल हो गया, अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब मैं बीमार हूँ, पूरे तरीके से बीमार हूँ, अब ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। लोग इतना डर जाते हैं, और एक्सरसाइज तो करना दूर है, फिर वो दवाइयों पे डिपेंड रहते हैं, दवाई खाना शुरू कर देते हैं। अब आप सोचिए फ्रेंड्स, जब हम उल्टी सीधी दवाइयाँ खाएंगे और मन में ये बिल्कुल बना लिया है कि जो हमें हुआ है वो ठीक नहीं हो सकता, तो फिर कैसे ठीक होगा? तो इसके लिए शांति की ज़रूरत है और समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। कोई भी दर्द सर्वाइकल नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने बताया सर्वाइकल एक एरिया होता है, अगर उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी नस में प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से, तब
उसको सर्वाइकल का पेन हम कह सकते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ या कई सिचुएशन में ऐसे देखा जाता है कि उनको दर्द कहीं और पे होता है। मान लिया आपकी एक बाजू में दर्द है, बहुत दिनों से दर्द बना हुआ है, बाजू में ही है, वो समझते हैं मुझे गर्दन में दर्द नहीं है तो इसका मतलब ये सर्वाइकल नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सही चीज़ समझिए और सही चीज़ पर काम शुरू करिए, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा ये आपकी बाजू में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसका एक्सरे भी कर दिया, आपको सब चीज़ करके बता दी, लेकिन बाजू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आके समझ लेते हैं कि मुझे बाजू में दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए दर्द ऐसे ही बना हो। कोई भी दर्द ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपकी बाजू की नस में ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं और प्रॉब्लम हो रही है, और जो प्रॉब्लम आपकी बाजू में आ रही है तो ये सर्वाइकल भी हो सकता है। हो सकता है आपकी जो कोई नस है वो वहाँ पे दब रही है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ सही नहीं हो रहा है और वो दर्द कर रही है आपकी बाजू में। ये दर्द भी सर्वाइकल की वजह से हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है, क्योंकि जब आप टेस्ट कराएंगे वो तभी पता चलेगा। मान लिया आपकी छाती में दर्द हो रहा है या सर में कई बार दर्द हो जाता है, तो स्पेशली आप MRI उसी हिस्से की कराते हो जहाँ पर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोलेंगे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आती कई बार, तो आपको ज़रूर अच्छे तरीके से चेकअप कराना चाहिए कि हो सकता है आपका सर्वाइकल की वजह से तो कहीं पेन नहीं आ रहा वहाँ पे। तो ये चीज़ जाननी समझनी ये पेशेंट के हाथ में, खुद के हाथ में होती है, और उसको समझना चाहिए हर चीज़ों की आखिर मुझे पेन क्यों हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे दिक्कत समझ नहीं आ रही है, तो दूसरी किसी वजह से दिक्कत होगी। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो सारी चीज़ें आपको आयुर्वेद में बताई जाती है, इलाज भी हर चीज़ का पॉसिबल है, लेकिन करना आपके हाथ में। जैसे कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप प्राणायाम में जा सकते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका है और भ्रामरी है, ये सारे प्राणायाम इतने अच्छे हैं। आपकी नसें कहीं से भी ब्लॉक हो या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। आप एकदम से एक्सरसाइज ना करिए, क्योंकि आप नहीं जानते कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ठीक है कौन सी नहीं है। पहले आप प्राणायाम पे आइए, धीरे धीरे अपना पोस्चर ठीक करिए, खाने पीने की जितनी भी गड़बड़ी आप कर रहे हैं वो ठीक करिए, जितना भी मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है और नहीं समझ में आ रही तो आप डॉक्टर के पास जाके वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो आप प्रॉब्लम आ रही है किस वजह से आ सकती हैं, मेनली कहाँ कहाँ से इसका रूट है। और उसके साथ साथ आपको जो YouTube पे एक्सरसाइजेज बताई जाती है वो देखिए कि एक्सरसाइज आपके लिए है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है, तब आप उस एक्सरसाइज को अपनाइए। अगर आपको वो एक्सरसाइज आराम नहीं दे रही है, उल्टा दर्द कर रही है, तो वो एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए जो दिक्कत है वो दूसरी है, दूसरी वजह से हो रही है, तो आप उस दिक्कत को जाके वहाँ पे समझिए और उसका कारण और निदान जानने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं इतना ही बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं इसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ सर्वाइकल पे। जो भी बहुत सारे लोग परेशान हैं सर्वाइकल की वजह से, वो जान नहीं पाते किस वजह से हो रही है और क्या एक्सरसाइज वो करें, क्या ऐसी चीज़ें करें, तो आगे आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तो जो आप प्रॉब्लम हो रही है आपकी सर्वाइकल की वजह से, या सर्वाइकल नहीं भी है उसकी वजह से हो रही है, उन चीज़ों को आप ख़त्म कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से निसंकोच पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब अगर वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर सकती तो एवरी संडे मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगी जिसमें स्पेशली आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनके रिप्लाई होंगे, उनके जवाब होंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम की वीडियो ज़रूर आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।